बार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है केएमसी हेल्थ सिटी एंड केएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। ना आम न खास, कोरोना के लिए सभी एक समान। जेड प्लस विद बैलिस्टिक शील्ड, या यूं कहा जाए कि जहां सुरक्षा की दृष्टि से परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कोरोना की मार को भी वहां जाने से नहीं रोका जा सकता। भाजपा के लिए आज का दिन बेहद चिंतनीय रहा। यूपी में कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण की कोरोना से मौत की खबर के कुछ घंटों बाद ही देश के गृह मंत्री अमित शाह भी कोरोना की चपेट में आ गए। इसके बाद तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और शाम होते होते भाजपा के यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हिंदुस्तान में अभी तक 17,50,723 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि अभी तक 37,364 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। अगर दुनिया की बात करें तो संक्रमितों का आंकड़ा 17,85,9763 पहुंच चुका है, जबकि अभी तक 6,85,180 लोग मारे जा चुके हैं। दुनिया अथवा देश का यह आंकड़ा यह साबित करने के लिए काफी है कि सभी जगह भले ही अनलॉक की प्रक्रिया चल रही हो, लेकिन कोरोना का लॉकडाउन अभी नहीं हुआ है। सुरक्षा के तमाम इंतजाम, सैनिटाइजर द्वार के बीच से गुजरना, मास्क लगाकर मिलना, समय समय पर हाथ धोना और हर मिलने वाले पर कड़ी नजर रखना भी, यदि इन वीवीआईपी लोगों तक कोरोना की मार संभव है तो समझा जा सकता है कि आम लोग जो अनलॉक होते ही बेफिक्र हो गए हैं, उनका क्या हाल हो सकता है। हालत यह है कि लोग घरों से ठीक वैसे ही निकलना शुरू हो चुके हैं जबकि लॉकडाउन से पहले सामान्य दिनों में निकला करते थे। राहत भरी यह एक खबर जरूर आई कि कोरोना के कारण अस्पताल में भर्ती किए गए सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद आज शाम घर भेज दिया गया। अभिषेक अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।